डीएचसीपी का थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। देखो डीएचसीपी को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग आईपी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपी इंप्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, डीएचसीपी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आईपी इंप्लीमेंटेशन जो है वो दो टाइप के हैं। जो हम लोग आईपी इंप्लीमेंट करते हैं ना मशीन्स को, हम लोग मशीन्स को जो आईपी इंप्लीमेंट करते हैं वो दो टाइप से दे सकते हैं, दो टाइप से आईपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक आईपी, एक आप स्टैटिकली दे सकते हो और एक डायनेमिकली दे सकते हो। आप मशीन्स के ऊपर आईपी जो आप असाइन करते हो स्टैटिकली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और डायनेमिकली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहले बात करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जो कि हमारे पास में कौन से आईपी आ गए, डायनेमिक आईपी आ गए। ठीक है, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन आ गई। तो देखो यार, स्टैटिक आईपी एड्रेस आप नॉर्मली कैसे इंप्लीमेंट करते हो? आप कोई भी मशीन पे जाओगे और चेंज अडेप्टर सेटिंग, उसकी लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, टीसीपी आईपी वर्जन 4 उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे जाके आप क्या बोलोगे, जो भी आपने आईपी देना, लाइक 10.1.1.1, 192.168.1.1, और यहाँ पे सबको क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, और इसको आईपी क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक तो तरीका ही है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टैटिक आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट करने में, वो बात करते हैं, जो कि हम लोग डायनेमिक आईपी यूज करने लग गए। इसमें कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना स्टैटिक आईपी एड्रेस में, तभी तो हम लोग डायनेमिक आईपी यूज करेंगे। तो स्टैटिक आईपी में क्या प्रॉब्लम्स है वो बात करते हैं। देखो यार, अगर मैं बात करूँ स्टैटिक आईपी एड्रेस की, अगर मेरे पास में एक छोटा सा नेटवर्क है, लाइक एक मेरे पास में लिमिटेड मशीन्स लगी हुई हैं, मेरे पास में लाइक 15-20 मशीन्स कनेक्टेड है, अगर उन पे आपने स्टैटिक आईपी इंप्लीमेंट करना है ना, आप इजीली कर सकते हो। आप एक एक मशीन पे जाके आईपी इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ईजिली आईपी इंप्लीमेंट कर दोगे ना। एक मशीन है उसको आईपी दे दिया आपने 10.1.1.1, नेक्स्ट मशीन को आईपी दे दिया 10.1.1.2, 10.1.1.3, आईपी इंप्लीमेंट कर सकते हो ना इजिली आप, और आपको याद भी रहेगा कौन सी मशीन को आपने क्या आईपी इंप्लीमेंट किया है। बात आ रही है मेरी समझ में, है ना? तो ठीक है, आप थोड़े से टाइम में आईपी इंप्लीमेंट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी स्टैटिक आईपी में? देखो एक छोटा सा नेटवर्क है वहाँ पे स्टैटिक आईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टैटिक आईपी आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होता रहेगा, और जैसे जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मल्टीपल होती रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आईपी इंप्लीमेंट करने वाले लोग क्या हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे आना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक अब एक यूजर आईपी नहीं इंप्लीमेंट करना कर रहा, दो तीन लोग मिलकर आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक आप आईपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप आईपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, मेरे पास में 1000 मशीन है। ठीक है, लाइक डिसाइड हो गया 10 के नेटवर्क में आईपी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आईपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग आईपी इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको क्या पता कि इन्होंने कौन सी आईपी दी और इनको क्या पता आपने कौन सी आईपी दी है, है ना? तो क्या होगा, हो सकता है कि जो आपने आईपी इंप्लीमेंट किया कोई मशीन को, वो सेम आईपी इन्होंने दे दिया हो, आईपी एड्रेस जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। अगर सेम आईपी एड्रेस दो मशीन पे आप आईपी इंप्लीमेंट कर दोगे तो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आईपी एड्रेस को इंप्लीमेंट करने में टाइम भी लगेगा। मेरे पास में कितनी सारी मशीन है, हर एक मशीन पे आपको मैनुअली जाना पड़ेगा और आपको आईपी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो टाइम कितना ज्यादा वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, और आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी मशीन पे क्या आपने आईपी इंप्लीमेंट किया है। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगी ना। तो एक छोटा सा नेटवर्क है, छोटे से नेटवर्क में, अगर एक स्मॉल नेटवर्क है वहां पे आईपी एड्रेस अच्छे से काम करता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। लेकिन जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे हमारी
एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल होती रहेगी, वैसे वैसे स्टैटिक आईपी एड्रेस में प्रॉब्लम आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, आपको आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, आपको याद नहीं रहेगा कौन सी मशीन पे आपने क्या आईपी इंप्लीमेंट किया है, और आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है किसमें, स्टैटिक आईपी एड्रेस में। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक आईपी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप इन मशीन्स पे आप आईपी जाके इंप्लीमेंट नहीं करते हो, यहाँ पे क्या सिलेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है, ऑब्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। और जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट सभी मशीन पे ये ऑप्शन क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो इनको क्या हो जाएगा, इनको जैसे ही यहाँ पे मशीन डायनेमिक आईपी ये सिलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन एन आईपी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे, तो इन सभी मशीन्स को ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा डायनेमिकली। और जिससे आईपी एड्रेस मिलेगा, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएचसीपी सर्वर। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास में ये डीएचसीपी सर्वर है, लाइक ये मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप क्या है, एक डीएचसीपी सर्वर है। और ये डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, आप इसके पास में रिक्वेस्ट आएगी और ये क्या करेगा, एक प्रोसेस चलती है डोरा प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, सभी मशीन्स को एक आईपी एड्रेस क्या कर देगा, प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। और इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि लाइक इसके पास में जो भी आईपी के लिए रिक्वेस्ट आएगी, हर एक मशीन को क्या करेगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस देगा। ये नहीं है कि ये मल्टीपल मशीन्स को एक ही आईपी मल्टीपल मशीन्स को प्रोवाइड करवा दे, नहीं। इसके पास में यहाँ पे एक आईपी पड़े होंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो फर्स्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको पहला आईपी, सेकंड रिक्वेस्ट आ रही है उसको सेकंड आईपी, हर एक मशीन को एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा। तो क्या आईपी एड्रेस आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अभी नहीं होंगे ना, तो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे नहीं यहाँ पे। और फ्रेशर ऑफ सेकंड के अंदर सभी मशीन को क्या मिल जाएगा, एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और आपके पास में इस डीएचसीपी सर्वर के ऊपर सारी डिटेल रहेगी कि कौन सी मशीन को इसने क्या आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट किया है। तो जो आईपी मैनेजमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी सेंट्रलाइज हो जाएगी। पहले स्टैटिक आईपी एड्रेस के अंदर आईपी मैनेजमेंट जो थी वो क्या थी, डिसेंट्रलाइज, एक एक मशीन पे जाके आपको क्या करना पड़ रहा था, आईपी इंप्लीमेंट करना पड़ रहा था। अब मैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन से ही क्या कर रहा हूँ, सभी मशीन पे आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो जो आईपी इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्या होगी, वो सेंट्रलाइज हो जाती है, किससे, डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। और आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होना भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और फ्रेशन ऑफ सेकंड के अंदर सभी मशीन को क्या मिल जाएगा, एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, चलो इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। लाइक मेरे पास में यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं कनेक्टेड, एक लैन में, एक लोकल एरिया नेटवर्क में, एक स्विच के साथ में, ठीक है। और मेरे पास में यहाँ पे ये 200 मशीन्स कनेक्टेड है, कितने पीसीज हैं ये, 200। अब इन मशीन्स को डायनेमिक आईपी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए होगा ना। तो लाइक अब हमने एक डीएचसीपी सर्वर बनाना है। अगर मैं बात करूँ एक इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में कभी भी राउटर को एक डीएचसीपी सर्वर नहीं बनाया जाता। डीएचसीपी सर्वर के लिए क्या चाहिए होता है, एक डेडिकेटेड एक सर्वर हार्डवेयर यूज हो रहा होगा, और उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा ना, वो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, नहीं तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, उसको बनाया जाएगा एक डीएचसीपी सर्वर। राउटर का काम आईपी एड्रेस असाइन करने का नहीं है, राउटर का काम होता है राउटिंग करने का। वो डेडिकेटेडली किस लिए बनाए, राउटिंग करवाने के लिए, दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए, ठीक है। आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास में क्या है, अलग से सर्विसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, उस पर आप सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, मेरे पास में एक छोटा सा नेटवर्क है, लाइक लिमिटेड मशीन्स हैं, तो मैं उसके लिए, यह तो है नहीं कि एक सर्वर हार्डवेयर परचेज करूंगा, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी परचेज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए एक मुझे नेटवर्क एडमिन भी रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी ना। तो जब हमारे पास में राउटर है, तो राउटर के ऊपर फीचर होते हैं किसके, डीएचसीपी के, तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में क्या है, लिमिटेड मशीन्स हैं, है ना, तो हम लोग एक राउटर भी यूज कर सकते हैं एज ए डीएचसीपी बनाने के लिए। तो लाइक इस राउटर को हमने क्या कर लिया, इस स्विच से कनेक्ट कर लिया, इस राउटर को हमने क्या करना पड़ेगा, एक आईपी भी असाइन करना पड़ेगा। देखो ये जो, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, डीएचसीपी। अब ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा ना, तो इसको एक आईपी भी तो पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो जो डीएचसीपी है ना, वो मशीन्स को क्या करेगा, डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करवाएगा क्लाइंट्स को, बट खुद हमेशा स्टैटिक आईपी पे काम करता है। खुद किस पे काम करता है, स्टैटिक आईपी पे। तो इसको एक स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, लाइक मैंने इसको आईपी दे दिया 10.1.1.254 आईपी दे दिया एक। ये डायनेमिक आईपी पे काम नहीं करेगा, इसको मैनुअली आईपी देना पड़ेगा आपको, स्टैटिकली आईपी देना पड़ेगा, ठीक है। और
अब ये DHCP सर्वर क्या करेगा, इन क्लाइंट मशीन्स को IP प्रोवाइड करवाएगा ना, तो इसके पास में IP होने तो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पूल बनाते हैं और पूल में एक नेटवर्क डिफाइन कर देंगे, किस नेटवर्क में ये IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, ये इस नेटवर्क में IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। और इस पूल का ना एक रूल होता है, क्या, कि इस पूल में जो नंबर ऑफ IP एड्रेस है ना, वो इन नंबर ऑफ क्लाइंट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, नहीं तो इनसे ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अगर इस पूल में IP कितने होते हैं, लाइक IP होते हैं लाइक 150, और हमारे पास में क्लाइंट मशीन कितनी है 200, तो कितनी मशीन को IP दे पाता वो 150 को, क्या 50 मशीन को IP मिल पाता, तो क्या वो मशीन्स उनके साथ में कम्युनिकेट कर पाती बाकियों के साथ में, नहीं कर पाती ना। तो इसका एक रूल होता है क्या, कि जो नंबर ऑफ IP एड्रेस है ना इस पूल में, वो नंबर ऑफ क्लाइंट के इक्वल होने चाहिए या फिर उनसे ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, कम होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक रूल तो ये होता है, और दूसरा एक और रूल होता है इसका क्या, कि जो आपने यहाँ पे पूल में जो नेटवर्क डिफाइन किया ना, वो सेम नेटवर्क में दोगे जिस नेटवर्क में हमारा DHCP सर्वर खुद बैठा है। यहाँ पे पूल जो है वो आप किस नेटवर्क में बनाओगे, जिस नेटवर्क में DHCP सर्वर का IP एड्रेस है उसी नेटवर्क में आपको क्या करना पड़ेगा, पूल बनाना पड़ेगा, तभी ये IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपने पूल बना लिया 20 के नेटवर्क में, तो इन मशीन्स को अभी IP एड्रेस नहीं मिलने वाला DHCP सर्वर से। DHCP सर्वर बाय डिफॉल्ट उसी नेटवर्क में IP प्रोवाइड करवाएगा जिस नेटवर्क में वो खुद बैठा है। अगर हाँ, अगर इन मशीन्स को डिफरेंट नेटवर्क में IP प्रोवाइड करवाना है, तो फिर एक रिले एजेंट आ जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बेसिक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बीच में कोई रिले एजेंट नहीं है, तो उस केस में DHCP सर्वर सिर्फ उन्हीं मशीन्स को IP प्रोवाइड करवाए, उसी नेटवर्क में IP प्रोवाइड करवाएगा जिस नेटवर्क में वो खुद है। तो ये 10 का नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा पूल में आपको, ठीक है। 20 के नेटवर्क का पूल बनाओगे तो फिर बीच में कुछ आपको एक रिले एजेंट बनाना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में बातें करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या होगा, लाइक इस मशीन को एक IP एड्रेस चाहिए था, तो ये एक पूरी डोरा प्रोसेस चलती है ना, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नोलेजमेंट, अभी के लिए हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे डोरा प्रोसेस पूरी, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना यूज कर रहा हूँ कि एक ये रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स में IP एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा। अभी मैं सिर्फ ये वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज पूरी प्रोसेस चलेगी, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको यहाँ पे जैसे ही आप IP ऑटोमेटिक सेलेक्ट करोगे, तो एक IP के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा DHCP के पास में, और DHCP सर्वर क्या करेगा, यहाँ से एक IP उठाएगा और उसको क्या करवा देगा, प्रोवाइड करवा देगा। तो और यहाँ पे DHCP IP कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जो पहले आएगा उसको पहला IP। तो इसको IP क्या मिल गया, 10.1.1.1। इसने रिक्वेस्ट करी, इसको IP क्या मिल जाएगा, 10.1.1.2। इसको IP क्या मिल गया, इसने रिक्वेस्ट करी, इसको क्या IP मिल जाएगा, 10.1.1.4। इसने रिक्वेस्ट करी, इसको IP क्या मिल जाएगा, 10.1.1.5। और ये सारी मशीन अब एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे नहीं आएगी ना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक ये जो सबसे ऊपर जो मशीन है ना, जिसको IP क्या मिला है 10.1.1.1, यहाँ पे ना एक लाइक एक फोल्डर पड़ा हुआ है डेटा नाम से, क्या है, एक डेटा नाम से एक फोल्डर रखा हुआ है जिसको शेयरिंग पे लगा रखा है। और इस फोल्डर को ना सारे यूजर क्या करते हैं, डेली एक्सेस करना होता है इनको, इस फोल्डर को डेली क्या करना होता है, इन यूजर्स ने बाकियों ने एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो ठीक है, उसको IP क्या मिला हुआ है, 10.1.1.1 मिला हुआ है। तो अगर वो इसके शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करने हैं, तो इन सभी यूजर को उसका IP पता होना चाहिए ना। चलो उन्होंने IP पूछ लिया उसका, और वो शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करना इन्होंने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन होगा क्या, आज की ये शिफ्ट कंप्लीट हुई, मशीन शट डाउन, IP एड्रेस वापिस से आके रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, DHCP सर्वर पे। जैसे मशीन शट डाउन, सारे IP रिलीज कहाँ कहाँ पे हो गए, DHCP सर्वर पे। DHCP सर्वर भी डाउन हो गया, सेकंड डे आई एम, DHCP सर्वर ऑन है हमारा, मशीन ऑन है, ठीक है। आज क्या हुआ, आज पहले ये मशीन ऑन होगी, इसको क्या IP मिलेगा, ये सेकंड टाइम ये ओपन हुई और फिर इसने रिक्वेस्ट करी, फिर इसने रिक्वेस्ट करी और फिर इसने रिक्वेस्ट करी, तो इनका IP क्या हो जाएगा। देखो इनको डायनेमिक IP मिल रहा है ना, डायनेमिक IP के दो, डायनेमिक जो भी डायनेमिक हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके दो मतलब होते हैं क्या, एक तो होता है ऑटोमेटिक और एक होता है चेंजेबल, है ना। तो इनके IP, इनको डायनेमिक IP मिल रहा है ना, ये डायनेमिक IP क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ऑटोमेटिक तो मिल रहे हैं बट वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, क्योंकि डायनेमिक IP है, जो फ्री होगा वही मिलेगा पहले, समझ में आ रही है मेरी बात। तो आज इस मशीन को IP क्या मिल गया, जिसपे शेयर्ड फोल्डर था 10.1.1.5 मिल गया ना, तो वो शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करने हैं आपने आज। तो अब यहां से आपको उसका IP एड्रेस पूछना पड़ेगा ना, तो इसका तो IP चेंज होता रहेगा, आप क्या बार बार इसके IP पूछते रह जाओगे,
प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? अरे वो शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करें तो आईपी से ही एक्सेस करेंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, डीएचसीपी सर्वर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन। हम लोग ये आईपी रिजर्व कर सकते हैं, लाइक इसका मैक एड्रेस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। हम लोग ये क्या करते हैं, इसकी एक डिवाइस आईडी कैलकुलेट कर लेता है उसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं मैक एड्रेस मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक आईपी रिजर्व कर दिया मैक एड्रेस ए के साथ में, कौन सा, लाइक 10.1.1.10 या 10.1.1.1। मैंने आईपी क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया किस मैक एड्रेस के साथ में, मैक एड्रेस ए के साथ में। मशीन ऑफ थी, जैसे मशीन ऑन होगी, आज ये मशीन पहले ऑन हुई, इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है, कौन से मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है, ई मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये क्या करेगा यार, जो 10.1.1.1 है ना, वो तो मैक एड्रेस ए के साथ में क्या है, रिजर्व है, ये आपको ये आईपी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है ना। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइस आईडी होती है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो डिवाइस आईडी कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये वाला मैक एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इसको क्या मैक एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, इसको मैक एड्रेस प्रोवाइड, सॉरी मैं क्या, ये क्या आईपी प्रोवाइड करवाएगा, ये 10.1.1.1 आईपी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये 10.1.1.2 आई, क्या हुआ पता चला किसी को? यस सर। क्या क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, फिर इसको ये नहीं आईपी प्रोवाइड करवाएगा, इसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये तो आईपी किसके लिए रिजर्व है, ए के लिए रिजर्व है ना। तो ये तो ई से रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो ये क्या देगा, 10.1.1.2 दे देगा। नेक्स्ट मशीन की रिक्वेस्ट आएगी उसको 10.1.1.3 दे देगा, और जैसे ही ए मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट आएगी वो देखेगा यार तेरे लिए तो पहले से मैंने आईपी क्या किया है यहाँ पे, रिजर्व किया हुआ है कौन सा, 10.1.1.1, तो उसको हमेशा और हमेशा कौन सा आईपी मिलेगा, 1 मिलेगा उसको हमेशा। उसको आईपी किससे चाहिए, डीएचसीपी से ही प्रोवाइड करवाना है, डायनेमिकली ही प्रोवाइड करवाना है, बट हमेशा और हमेशा एक स्टैटिक, हमेशा और हमेशा एक फिक्स आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है। तो हम लोग आईपी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिजर्व कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज, तो आप रिजर्वेशन कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, बार बार आईपी नहीं पूछना पड़ेगा ना आपको इसका कि तुम्हारा आईपी क्या है, शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करना है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके। अब क्या होता है, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है ना हमारी, ये हमारी कंपनी का एफटीपी सर्वर है। क्या है? एफटीपी सर्वर है। यहाँ पे नेटवर्क बुल्स में भी तो एक एफटीपी सर्वर है, है ना, उसका एक आईपी जो है वो क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है ना आईपी, वो कभी चेंज होता है वो नहीं होता ना। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी हमारे सर्वर्स वो बनते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा हम लोग स्टैटिक आईपी ही इंप्लीमेंट करते हैं। क्या इंप्लीमेंट करते हैं, कैसा आईपी इंप्लीमेंट करेंगे, स्टैटिक आईपी हमेशा और हमेशा। ये अगर इसको आप एफटीपी बना रहे हो ना, अगर इस पे डायनेमिक आईपी है तो ये काम ही नहीं करेगा, इसको हमेशा कौन सा आईपी देना पड़ेगा, स्टैटिक आईपी, मैनुअली इस पे जाके आपको आईपी देना पड़ेगा। तो लाइक मैंने इसको एक स्टैटिक आईपी यूज कर लिया, क्या, लाइक फॉर एग्जांपल 10.1.1.5 मैंने स्टैटिकली इस पे एक आईपी दे दिया। अब ये भी तो हो सकता है ये आईपी डीएचसीपी सर्वर किसी और को प्रोवाइड करवा दे, डीएचसीपी सर्वर पे पूरा पूल पड़ा है, इसको थोड़ा ना पता है कि ये स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे नेटवर्क में कोई और यूज कर रहे, इसके पास में तो रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ही 4 नंबर आईपी प्रोवाइड करवा दिया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है क्या आईपी प्रोवाइड करवा देगा, 10.1.1.5 प्रोवाइड करवा देगा ना। तो 5 लाइक इस यूजर को मिल गया, और इस यूजर को भी क्या मिला हुआ ऑलरेडी, हमने स्टैटिकली आईपी दिया, आईपी क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम आएगी ना। तो डीएचसीपी सर्वर 10.1.1.5 किसी और को प्रोवाइड करवाना चाहिए, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करवाते हैं एक्सक्लूजन, यहाँ पे हम लोग आईपी को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड, लाइक मैंने एक आईपी एक्सक्लूड कर दिया, कौन सा, 10.1.1.5। जो आप आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर पे एक्सक्लूड करोगे, डीएचसीपी सर्वर उस आईपी एड्रेस को छोड़ के बाकी सारे आईपी एड्रेस क्या करता रहेगा, प्रोवाइड करवा देगा आपको। जरूरी नहीं है एक सिंगल आईपी एड्रेस ही आप एक्सक्लूड करो, आप मल्टीपल आईपी एड्रेस भी एक्सक्लूड करवा सकते हो, या फिर एक रेंज भी यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, एक्सक्लूड करवा सकते हो। मैंने बोल दिया 10.1.1.5 से लेके 10.1.1.1 मैंने आईपी क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो 4 प्रोवाइड करवाएगा, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, 11। सर रिजर्व भी तो कर सकते हैं? नहीं, मैंने क्या बताया, यहाँ पे डायनेमिक आईपी चाहिए, सॉरी इस पे स्टैटिक आईपी चाहिए, जितने भी सर्वर है किस आईपी पे काम करते हैं, स्टैटिक आईपी पे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा ना, डायनेमिक आईपी पे वो काम नहीं करेगा एफटीपी सर्वर, ठीक है। तो अब डीएचसीपी सर्वर ये आईपी किसी और को ना प्रोवाइड करवाए, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ये आईपी एड्रेस को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, और जो आईपी एड्रेस आपने एक्सक्लूड किया है वो आईपी एड्रेस मैं नेटवर्क में कहीं पे भी स्टैटिकली यूज कर सकता हूँ।
जो आईपी एड्रेस हम लोग डीएचसीपी सर्वर पे क्या करवाएंगे, एक्सक्लूड करवाएंगे, वो आईपी एड्रेस हम लोग नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, स्टैटिकली यूज कर सकते हैं कोई भी मशीन पे, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर वो वाला आईपी किसी और को तो प्रोवाइड करवाएगा नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? ओके। इसके अलावा यहाँ पे होती है एक लीज ड्यूरेशन। क्या होती है? लीज ड्यूरेशन। डीएचसीपी सर्वर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है ना, वो लीज पे प्रोवाइड करवाता है, एक टाइम इंटरवल के लिए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये हमने डीएचसीपी सर्वर किसके ऊपर बना रखा है, सिस्को आईओएस के ऊपर बनाया हुआ है। किस पे बनाया हुआ है? सिस्को आईओएस के ऊपर बना रखा है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, मैंने डीएचसीपी सर्वर को नहीं बोला कि तुम कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करवाओ, डीएचसीपी सर्वर खुद से जो आईपी प्रोवाइड करवाएगा वो 24 आवर्स के लिए प्रोवाइड करवाएगा। लाइक इस मशीन की एक रिक्वेस्ट आई थी, किसकी? लाइक इस मशीन की एक रिक्वेस्ट आई कि मुझे एक आईपी चाहिए डीएचसीपी से, डीएचसीपी एक आईपी उठाएगा, इसको जो प्रोवाइड करवाएगा ना वो कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करवाएगा, 24 आवर के लिए। ये ले भाई, नेक्स्ट 24 आवर के लिए तुम्हारा आईपी है, तुम लोग तुम इस आईपी को लेके रखोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने सिस्को आईएस के ऊपर, अगर आपने सिस्को आईएस पे डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, तो बाय डिफॉल्ट 24 आवर के लिए आईपी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपने बनाया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट 8 डेज के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। अगर वायर्ड नेटवर्क है, अगर वायर्ड नेटवर्क है, अगर वायरलेस नेटवर्क है, तो डीएचसीपी सर्वर 8 आवर्स के लिए आईपी प्रोवाइड करवाता है। कितने टाइम के लिए? 8 आवर्स के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अगर आपने मिनिमम आईपी प्रोवाइड करवाना है कितने टाइम के लिए, बाय डिफॉल्ट खुद से तो इतना प्रोवाइड करवाएगा। मैंने नहीं बोला डीएचसीपी सर्वर को कि तुम कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करो, ये खुद से जो प्रोवाइड करवाएगा 24 आवर के लिए प्रोवाइड करवाएगा बाय डिफॉल्ट। जो ये मिनिमम प्रोवाइड करवा सकता है वो 1 मिनट के लिए प्रोवाइड करवा सकता है, और मैक्सिमम आप कितने टाइम के लिए, आप टाइम डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम कितना, 999 डेज, 23 आवर्स और 59 मिनट्स के लिए, इतने टाइम के लिए आप मैक्सिमम टाइम के लिए आईपी प्रोवाइड करवा सकते हो। मींस कि वो डीएचसीपी सर्वर को वापस से वो करना पड़ेगा फिर? क्या इट्स इन दोनों प्रोसेस? कब एक्सपायर हो रहा है ये डेट? नहीं, उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या क्या होगा अभी। लाइक अगर कोई क्लाइंट मशीन को लाइक 24 आवर के लिए आईपी प्रोवाइड करवा दिया, तो हम 24 आवर के क्या वो 24 आर आईपी लेके उसके बाद में क्या दोबारा रिक्वेस्ट करता है, क्या होता है, मतलब आईपी चेंज हो जाता है, वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिटवीन ये 24 आर के बीच में क्या क्या होता है और भी प्रोसेस चलती है इसके बीच में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं इसको आईपी प्रोवाइड करवाया कितने टाइम के लिए क्लाइंट मशीन को, 24 आर के लिए, कितने टाइम के लिए, 24 आवर के लिए। अब इन 24 आवर के बीच में क्या क्या होता होगा, क्या ये आईपी लेके शांत बैठ जाता है? तो लाइक आईपी कितना मिला था, कितने टाइम के लिए मिला था, 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 50% टाइम, मतलब अराउंड कितना टाइम, 12 आवर्स के बाद में जो ये क्लाइंट मशीन है ना, वो डीएचसीपी सर्वर को एक रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजती है कि मेरा आईपी क्या कर दे, रिन्यू कर दे। ठीक है, अब दो बातें होंगी, या फिर हमारे बीच में और डीएचसीपी सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी होगी, दो बातें होंगी ना, या फिर हमारे बीच में और डीएचसीपी सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हमारे बीच में और डीएचसीपी सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी होगी, तो उसको रिन्यूअल रिक्वेस्ट मिल जाएगी, और वो हमारा आईपी कितने टाइम के लिए रिन्यू कर देगा, उस टाइम से लेके नेक्स्ट 24 आवर के लिए, उस टाइम से लेके नेक्स्ट 24 आवर के लिए वापस से आईपी को क्या कर देगा, वो रिन्यू कर देगा। लाइक आपको एक आईपी मिला कितने बजे, जितने बजे भी, ठीक है, 12 घंटे के बाद में वो एक क्लाइंट द्वारा रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर डीएचसीपी सर्वर के साथ में हमारी कनेक्टिविटी हुई, तो वो हमें क्या दे देगा, हमारे आईपी को क्या कर देगा, वापस से वो रिन्यू कर देगा, उस टाइम से लेके नेक्स्ट 20 जिस पॉइंट जिस टाइम पे हम लोग बैठे हैं, उस टाइम से लेके 24 आवर के लिए उसको वापस से क्या कर देगा, रिन्यू कर देगा। नहीं, वही आईपी रहेगा ना, उसी आईपी को क्या कर रहा है, वो रिन्यू कर रहा है,
सेम आईपी को, हाँ तो ये आईपी लेके रख नेक्स्ट 24 आवर के लिए और, ठीक है। फिर से जैसे 50% टाइम कंप्लीट होगा ये वापस से रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजेगा, या फिर हमारी कनेक्टिविटी होगी या फिर नहीं होगी। अगर कनेक्टिविटी हुई तो उसके रिन्यूअल रिक्वेस्ट मिल जाएगी, वो मुझे क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, और वही मेरा आईपी उस टाइम से लेके वापस से 24 आवर के लिए क्या होता रहेगा, रिन्यू 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 होता रहेगा हर 50% टाइम के बाद में। मैं वही आईपी लेके रखूंगा, और ये मैं मेरी ये बात चल रही है एक सेशन की, सेशन की मतलब ये मेरी मशीन कंटिन्यूसली क्या है, ऑन है, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी नहीं हुई, हो सकता है कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है, तो इसको कितने टाइम के लिए आईपी मिला था, अभी 12 घंटे और पड़े हैं ना, 12 घंटे तक तो आईपी लेके रखेगा ना ये, ठीक है, 12 घंटे और इसको अभी आईपी लेके रखेगा ना ये। अरे 50% टाइम के बाद में उसने रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजी, डीएचसीपी सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कनेक्टिविटी नहीं थी, जो भी रीजन था उसने आईपी रिन्यू नहीं किया है ना, तो उसको तो 24 घंटे के लिए आईपी मिला था ना, 12 घंटे और पड़े हुए हैं ना, ठीक है। 12 उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर 87.5% टाइम, अराउंड कितना, अरे जितना भी बनता है, लाइक 24 आर के बाद में, अरे 21 आर के बाद में, ठीक है, तो 21 आर के बाद में 87.5% टाइम के बाद में फिर से वो क्या भेजेगा, एक रिन्यूअल रिक्वेस्ट। और फिर से दो बातें होंगी, या फिर कनेक्टिविटी या फिर होगी या फिर नहीं होगी। अगर कनेक्टिविटी हुई तो आईपी क्या हो जाएगा, उस टाइम से लेके रिन्यू हो जाएगा, अगर कनेक्टिविटी नहीं हुई तो कितना टाइम और बचा हुआ है, थ्री आवर्स लेफ्ट, अभी 3 घंटे और पड़े हुए ना, 3 घंटे के बाद में आफ्टर 100% टाइम, फिर से डीएचसीपी सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी चेक करेगा, अगर डीएचसीपी सर्वर अप हुआ तो आईपी को क्या कर देगा, रिन्यू। अगर डीएचसीपी सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी नहीं हुई, आईपी गॉट फ्रॉम अपीपा, आईपी किसे मिल जाएगा, अपीपा से मिल जाएगा, और ये अब अपीपा क्या होता है, एशिया पैसिफिक, अच्छा कौन, एशिया पैसिफिक ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये तो बहुत दूर दूर तक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, थोड़ा आसपास भी होना चाहिए था। तो अपीपा के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, अपीपा क्या है, ठीक है।